हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं इस पिकल जार का रियूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने यह वाइट ग्लू लिया है जैसो बनाने के लिए। तो 2 स्पून्स ऑफ वाइट ग्लू, 2 स्पून्स ऑफ चॉक पाउडर, आप यहाँ पे POP या बेबी पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, 2 स्पून्स ऑफ एक्रेलिक वाइट पेंट। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब इसे हम जार के ऊपर अप्लाई करेंगे। आप ब्रश या स्पॉन्ज दोनों की ही हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दोनों ही ऑप्शंस बता रहा हूँ। आपने जेसो को ज़रूर से अप्लाई करना है, आपको इस प्रोसेस को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारा बेस बहुत ही अच्छा बनता है एंड इसके बाद हम जो भी वर्क करेंगे वो बहुत ही सुंदर होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर जैसो को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। जैसो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब हम मॉड पॉज ग्लू बनाएंगे। इसके लिए हमें इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लू एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर का यूज़ करना है। दोनों को हम बराबर मात्रा में मिला लेंगे। मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर कटिंग ली है, आप डेकोपाज नैपकिन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसे हम वाटर एंड ब्रश की हेल्प से रफली कट कर लेंगे। अभी हमने जो मिक्सचर बनाया था ग्लू एंड वाटर का, इसे हम जार के ऊपर अप्लाई करेंगे। जिस एरिया में हमें हमारी कटिंग लगाना है, पेपर कटिंग को सावधानी पूर्वक लगाएं, इसमें एक भी सल नहीं होना चाहिए। एंड अब कटिंग के ऊपर भी हम हमारा ग्लू एंड वाटर का मिक्सचर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से सूखने देंगे। देखिए, ये अच्छे से सूख गया है। अब मैं यहाँ पर ब्लू कलर का एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रहा हूँ, आप अपना मनपसंद कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जार को अच्छी तरीके से ब्लू कलर की हेल्प से कवर कर देंगे। आप यहाँ एक्रेलिक पेंट की जगह पर चॉक पेंट का यूज भी कर सकते हैं। आपके पास जो कलर अवेलेबल है आप उसका यूज कीजिए एंड अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। अच्छी तरीके से बॉर्डर्स पे भी कलर लगाना है। देखिए, कलर अच्छे से सूख गया है। अब मैं यहाँ ब्लैक पेंट की हेल्प से जार के हेड को कवर कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से इसे पेंट कर लीजिए। जार का फेस थोड़ा टूटा होने के कारण काफ़ी ऊपर नीचे है, इसीलिए मैंने उसे अच्छे तरीके से पेंट किया है। यहाँ पर मैंने पर्ल मेटेलिक कलर की हेल्प से हाईलाइट किया है, जिससे इस पर मेटेलिक फिनिश आ सके। मैंने यह फिंगर का यूज़ किया है, आप इसे ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन यह काम फिंगर की हेल्प से भी
काफ़ी आसानी से हो जाता है। अच्छी तरीके से इसे कवर कर दीजिए। अगर आपके पास वार्निश अवेलेबल है तो आप इस पर ज़रूर वार्निश के दो कोट अप्लाई कीजिए। देखिए होम डेकोर बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नीचे